अभी आपको बताएंगे, हुकूमत ने बिजली सारफीन से मौखर अदायगियों की भी वसूली करने का फैसला कर लिया। नेपरा अथॉरिटी बिजली 14 रुपए 24 पैसे तक महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत 2 मार्च को करेगा। इसी पर मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जहीर अली से। जहीर, बताइएगा क्या फैसला सामने आया है? देखिए, अभी फैसला हुकूमत की जानिब से ये किया गया है कि नेपरा में एप्लीकेशन दी गई है और नेपरा ने 2 मार्च को इस पे बाकायदा समाअत करनी है। जो जून जुलाई में जो फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट की जो मद में सार्फीन पे जो एक्स्ट्रा उस वक्त पेमेंट जो थी वो डफर की गई थी, जिसमें मजमूई तौर पर 4 रुपए 24 पैसे फी यूनिट आयल जो फ्यूल कॉस्ट है उसका इम्पैक्ट पड़ना है, उसके लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से नेपरा को दरख्वास्त की गई है, जिसमें 200 वाले जो प्रोटेक्टेड सार्फीन है उन पे 10 रुपए 34 पैसे का ये एप्लीकेशन की गई है, और जो 300 यूनिट से ऊपर वाले उनके लिए 14 रुपए 24 पैसे, जिसमें जरिए सार्फीन भी है, के इलेक्ट्रिक वाले भी है, और पूरे मुल्क के जो सार्फीन है उनके लिए, चूंकि जो जून जुलाई में उस वक्त हुकूमत की जानी से फैसला किया गया था कि बिल्स बहुत ज्यादा आ गए हैं और नेपरा ने भी वो नहीं माना था, और फिर वो डिसीजन वफाकी हुकूमत की जानी से उसको डफर किया गया था, लेकिन अब वफाकी हुकूमत दोबारा उसी फैसले को लेके आई है कि अगले 8 माह के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट जो डफर की गई थी जो सार्फीन के लिए उस वक्त रिलीफ दिया गया था, उसको अगले अक्टूबर तक 8 माह के लिए आने वाले बिलों में एडजस्ट किया जाए। और आने वाले बिलों में इसको एडजस्ट किया जाए। जहीर अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।